बैग में मिला नवजात शिशु, पत्र और 5,000 रुपए, क्या है इसका राज? यूपी के अमेठी में एक पिता अपने बच्चे को दूसरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था और उसे पालने की अपील कर गया था, लेकिन उस परिवार ने बच्चे की परवरिश करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को लावारिस हालत में ये बच्चा मिला था। बैग में 5,000 रुपए भी रखे गए थे। बच्चे को छोड़कर जाने वाले पिता ने ओझा परिवार पर परवरिश का भरोसा जताया था। उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में आनंद ओझा के घर पर गांव की महिलाएं जमा थी, ढोल की थाप पर गाना बजाना कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि घर में एक नया मेहमान आया है। ये और बात है कि आने वाला मेहमान इस घर का चिराग नहीं है। पिता ने जिस दरवाजे पर उसे बैग में रख छोड़ा था, वहाँ एक बूढ़ी दादी उसे पाल रही हैं, लेकिन जिस ओझा जी पर पिता ने बच्चे की परवरिश का भरोसा जताया था, उनकी पत्नी ने बच्चे को पालने से इनकार कर दिया है। बाद में लखनऊ की चिल्ड्रेन केयर सेंटर की टीम बच्चे को अपने साथ ले गई। दरअसल ज़िले के कोतवाली मुंशीगंज क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में आनंद ओझा की आवास पर मंगलवार रात बैग में एक नवजात बच्चा पाया गया था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले जमा हो गए थे, तो बैग के पास से 5,000 रुपये और एक लेटर मिला था। अज्ञात युवक जो सूबेदार कपूरवा की ओर से आया था, वो नवजात शिशु को झोले में रखकर चला गया था। इस बीच आनंद ओझा की पत्नी सुमन ओझा ने बताया कि बच्चे का रंग सांवला है, बच्चा स्वस्थ है, हम उसकी परवरिश नहीं कर पाएंगे, हमारी सास फिलहाल उसे देख रही है। बच्चे के पिता ने खत में लिखा है, ये मेरा बेटा है, इसे मैं आपके पास 6-7 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ। हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है, इसलिए मैं अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूँ। 5,000 महीने के हिसाब से मैं आपको पैसा दे दूँगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस बच्चे को संभाल लो, मेरी कुछ मजबूरी है, इस बच्चे की माँ नहीं है और मेरी फैमिली में इसके लिए ख़तरा है, इसलिए 6-7 महीने तक आप अपने पास इसे रख लीजिए, सब कुछ सही करके मैं आपसे मिलकर अपने बच्चे को ले जाऊंगा। कोई आपके पास बच्चा छोड़कर गया है, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो ये बात सबको पता चल जाएगी, जो मेरे लिए सही नहीं होगा। आप लोगों को ये बता दीजिएगा कि ये बच्चा आपके किसी दोस्त का है जिसकी बीवी हॉस्पिटल में कोमा में है, तब तक आप अपने पास रखिए, मैं आपसे मिलकर भी दे सकता था, लेकिन ये बात मेरे तक रहे तभी सही है, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है, आपको और पैसा चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं और दे दूंगा, बस बच्चे को रख लीजिए, इसकी जिम्मेदारी लेने को डरिएगा नहीं, भगवान ना करे अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये बच्चा पंडित के घर का है। ये सारी बातें उस पत्र में लिखी हुई हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।